नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 23 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के सभी 534 प्रखंडों में बनेंगे पंचायत समिति सरकारी भवन। बिहार में एक और पर्यटन स्थल जल्द ही होगा विकसित। बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए शुरू हुई तैयारी। 2 साल में बढ़ गया बिहार का वन क्षेत्र। बिहार के इन जिलों में है सबसे ज्यादा बाल मजदूर। श्रम विभाग ने रेस्क्यू का जारी किया आदेश। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के सभी 534 प्रखंडों में बनेंगे पंचायत समिति सरकार भवन। बिहार के सभी 534 प्रखंडों में पंचायत समिति सरकार भवन बनाने वाली है। पंचायत सरकार भवन की तर्ज पर ही इसके निर्माण की तैयारी है। इसको लेकर ही भवन का नक्शा तैयार कर लिया गया है। ये भवन 2 मंजिला होगा। पंचायती राज विभाग ने इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर ही 2.5 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। प्रखंड मुख्यालय में भी ये भवन बनेगा, जिसके लिए 1350 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होगी। इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि उक्त भवन के लिए कौन से मद की राशि खर्च की जाएगी, इस पर मंथन फिलहाल चल रहा है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे मनोज बाजपेयी की। मनोज बाजपेयी एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम करते हैं और उन्होंने तेलुगु और तमिल भाषा की फिल्में भी की हैं। वो 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 6 फिल्म फेयर पुरस्कार और 2 एशिया प्रशांत स्क्रीन पुरस्कार प्राप्त करता है। 2019 में उन्हें कला में उनके योगदान के लिए भारत के 4th सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पश्चिम चंपारण जिले बिहार के बेतिया शहर के पास एक छोटे से गांव बेलवा में जन्मे बाजपेयी बचपन से ही अभिनेता बनने की ख्वाहिश रखते थे। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने थिएटर करना जारी रखा। बाजपेयी ने अपने फीचर फिल्म की शुरुआत ध्रुवकाल 1994 में 1 मिनट की भूमिका और शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन 1994 में ही एक डकैत की एक छोटी सी भूमिका के साथ की। कुछ अनजान भूमिकाओं के बाद उन्होंने राम गोपाल वर्मा की 1998 की क्राइम ड्रामा सत्या में गैंगस्टर भीकू मेहरोत्रा की भूमिका निभाई, जो एक सफलता साबित हुई। उसके बाद उनकी कई सीरीज भी चर्चा का विषय बनी रही। 24 अप्रैल से बिहार के किसानों की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए सरकार शुरू करेगी मुहिम। बिहार के वैसे किसान जो किसी कारणवश तंगी का सामना कर रहे हैं, तो आपके लिए हमारे पास एक राहत भरी खबर है, क्योंकि बिहार की नीतीश सरकार किसानों को आर्थिक तंगी से निकालने के लिए 24 अप्रैल से एक खास मुहिम की शुरुआत करने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार प्रदेश सरकार ने उनकी आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक अभियान चलाने की बात कही है, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उन्हें समय पर कर्ज मिल सके और वो साहूकारों के चुंगुल में ना फंसे। बिहार में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बिहार की अदालतों में होगी बंपर बहाली। बिहार सिविल कोर्ट में अराजपत्रित कर्मचारियों की भर्ती पद्धति एवं सेवा शर्तों को नियमित करने से संबंधित नई नियमावली राज्य सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। इससे संबंधित अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दी है। इसका नाम बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी और कर्मचारी नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण एवं शर्त नियमावली 2022 है। राज्य के सभी सिविल कोर्ट और अनुमंडलीय कोर्ट में इसके जरिए विभिन्न पदों पर बहाली होगी। नियुक्ति के लिए राज्य के 7 क्षेत्र पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण और पूर्णिया में विभाजित किया जाएगा। वर्तमान में किसी न्यायमंडल से भविष्य में कोई न्यायमंडल बनाया जाता है, तो वो उसी क्षेत्र में रहेगा जिसमें उसका निर्माण हुआ है। बिहार में मोरों की संख्या बढ़ाने को लेकर बनेगी नई योजना। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोरों के गांव के रूप में प्रसिद्ध माधोपुर गोविंद गांव में हाल के दिनों में मोरों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि सहरसा के आरण गांव में मोरों की संख्या बढ़ रही है। इसको देखते हुए ही सरकार ने अब उन क्षेत्रों में मोरों के संरक्षण की योजना बनाई है, जहां पहले मोर दिखा करते थे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार सिंह कहते हैं कि सहरसा का आरण गांव बिहार का इकलौता स्थान है, जहां आज भी 250 से 300 मोर है। उन्होंने आरण में मोर के संरक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था करने की बात मुख्यमंत्री से की है। उन्होंने कहा है कि माधोपुर गोविंद में भी मोर को संरक्षित करने की योजना पर वन विभाग काम करेगा। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जूनियर तकनीकी सहायक, वरिष्ठ तकनीकी सहायक के कुल मिलाकर 26 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 60% अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री और 2 साल का अनुभव होना अनिवार्य है।
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इंटरव्यू की तारीख 10 से 14 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.konkanrailway.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार में एक और पर्यटन स्थल जल्द ही होगा विकसित। बिहार में जल्द ही एक और पर्यटन स्थल को विकसित करने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत ही भागलपुर के कहलगांव स्थित ऐतिहासिक बटेश्वर स्थान को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन विकास निगम की टीम इसके DPR तैयार करके भागलपुर आने वाली है। इसकी सूचना दूरभाष पर जिला प्रशासन को मिली है। हालांकि टीम के आने की तारीख अभी तय नहीं हुई। ये टीम बटेश्वर स्थान का भी मुआयना करने के बाद जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर DPR तैयार करेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार सरकार के पर्यटन विकास निगम को निर्देश देने का अनुरोध जिला प्रशासन ने पर्यटन विभाग से पूर्व में ही कर दिया है और इस बाबत लगातार संपर्क भी किया जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट से लालू यादव को मिल ही गई जमानत। झारखंड हाईकोर्ट से बीते दिन राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई। उन्हें चारा घोटाले से जुड़े डोरांडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित मामले में जमानत दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि लालू को इस मामले में 21 फरवरी को CBI की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई थी। लालू प्रसाद को चारा घोटाले के डोरांडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में CBI कोर्ट ने 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगाया था। इसके साथ ही अब लालू को चारा घोटाले के सभी मामलों में जमानत मिल गई है। वहीं लालू यादव को मिली जमानत के बाद वकील ने कहा कि उन्हें आधी सजा पूरी करने और स्वास्थ्य समस्याओं के आधार पर झारखंड हाईकोर्ट से जमानत दी गई है। बिहार में जारी हुआ येलो अलर्ट। बिहार में मौसम का मिजाज देखने लायक है। कुछ जिले भीषण गर्मी से परेशान है तो वहीं कुछ जिलों में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इसी बीच अब बिहार मौसम विभाग ने बिहार में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम में बदलाव के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक बिहार के उत्तरी और मध्य के क्षेत्र में दक्षिणी और पूर्वैया हवा का शक्तिशाली प्रवाह बना हुआ है, साथ ही चक्रवाती सिस्टम भी शक्तिशाली बने हुए हैं। इसकी वजह से ही कटिहार, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर और बांका आदि निकटवर्ती क्षेत्र में बारिश और ठनका का पूर्वानुमान जारी किया गया है। बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए शुरू हुई तैयारी। हर साल बाढ़ की समस्या झेल रहा बिहार अब बाढ़ से निपटने की तैयारी में जुट गया है। हालांकि ये तैयारी कोई नई नहीं है, क्योंकि हर साल बिहार में भीषण बाढ़ देखने को मिलती है, लेकिन इस बार आपदा विभाग इसी कोशिश में है कि बिहार को बाढ़ से बचाया जा सके। आगामी 15 जून से शुरू हो रही बाढ़ अवधि को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने जिलों को अभी से ही तैयारी करने को कहा है। विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल की तरफ से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सभी DM मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारी कर ले, ताकि उस समय किसी तरह की परेशानी नहीं हो। कोरोना को देखते हुए बाढ़ पूर्व तैयारी में सरकार की तरफ से जारी सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। नालंदा के वेणु वन में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। वेणुवन बांसों के मन में बसे वेणु विहार को उस समय के राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के रहने के लिए बनवाया था। वेणुवन को विश्व का पहला बौद्ध विहार होने का गौरव प्राप्त है। वेणुवन के ही परिसर में एक नव वेणुवन विहार का निर्माण कराया गया है और यहां एक विशाल बुद्ध प्रतिमा लगाई गई है। साथ ही वैभव पर्वत की सीढ़ियों पर मंदिरों के बीच गर्म जल के कुछ झरने, जहाँ सप्तकर्णी गुफाओं से जल आता है। पुरुषों और महिलाओं के नहाने के लिए 22 कुंड बनाए गए हैं। इनमें ब्रह्मकुंड का पानी सबसे गर्म होता है। बिहार के सभी थानों को मिलेगा टैब। बिहार के सभी थाने अब टैब से लैस होने वाले हैं, जिससे अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि बिहार के सभी थानों में पासपोर्ट वेरिफिकेशन का काम तेजी से होने वाला है। यानी कि अब राज्य के 1082 पुलिस थानों को ऑनलाइन पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए टैब उपलब्ध करवाया गया है। पुलिस अब ऑनलाइन एम पासपोर्ट पुलिस ऐप की मदद से पुलिस जांच प्रतिवेदन दे रही है। पुलिस मुख्यालय की माने तो ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने के बाद PVR रिपोर्ट निर्गत होने का समय घट गया है। पहले 21 दिनों के पुलिस जांच प्रतिवेदन निर्गत होता था, जो अब घटकर 13 दिन तक आ गया है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार इस साल मार्च तक पासपोर्ट वेरिफिकेशन के 1,02,617 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका निष्पादन किया जा चुका है। 2 साल में बढ़ गया बिहार का वन क्षेत्र। बिहार में जल जीवन हरियाली के माध्यम से जंगलों को बढ़ाने में लगी बिहार सरकार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसके तहत ही नीतीश सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान का ही असर हुआ है कि 2 साल में बिहार का वन क्षेत्र 1% बढ़ गया है। ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 साल में वन क्षेत्र का दायरा 1.03% बढ़ गया। बिहार का वनावरण
7380.79 वर्ग किलोमीटर है। ये बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में बिहार में वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जो पिछली बार से 1.03% अधिक है। ये रिपोर्ट भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के तहत जारी की गई है। राज्य में इस कारण से बड़े आकार से गिर रहे हैं ओले। बीते 3 दिनों में कोसी सीमांचल और वैशाली के इलाकों में बड़े आकार के ओले की बारिश ने एक बार फिर सबको अचरज में डाल दिया है। सेब के आकार के इन गोलों के गिरने से उत्तर बिहार में इस बार मक्का, आम और लीची की फसलों को काफी नुकसान हुआ। इसी साल जनवरी में दक्षिणी बिहार के नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, भोजपुर, रोहतास, अरवल जिलों में ऐसी ही भारी ओलावृष्टि इतनी हुई थी कि कई एकड़ खेतों में बर्फ की चादर बिछ गई। मौसमविदों का कहना है कि ये सब कपास वर्षी बादलों की ऊंचाई बढ़ने और बार बार उनके बनने की वजह से हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा बताते हैं कि वातावरण में मौजूद नमी, तापमान बढ़ने पर ऐसे बादलों के बनने की प्रवृत्ति में सहायक होते हैं। बिहार की मिट्टी में जैविक कार्बन की कमी पर्यावरण को प्रदूषित करने का बनी कारण। बिहार में बेहिसाब उर्वरकों के इस्तेमाल से मिट्टी में जैविक कार्बन की कमी बताई गई है, जिसके कारण ही पर्यावरण प्रदूषित और जलवायु परिवर्तन जैसी चीजें हो रही हैं। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में आजादी के समय में राज्य की खेतों की मिट्टी में न्यूनतम 1.5 से 2.5 के बीच में जैविक कार्बन होने की बात कही गई थी, जो कि अब 0.4 से 0.5 पर पहुंच गई है। इसके तहत ही मिट्टी की जलधारण की क्षमता कम हो गई है। मिट्टी के पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता भी घट गई है। इससे पौधों का विकास प्रभावित हो रहा है। जलधारण की क्षमता कम होने के कारण खेतों को बार बार सिंचाई की जरूरत हो रही है। बिहार के इन जिलों में है सबसे ज्यादा बाल मजदूर। श्रम विभाग ने रेस्क्यू का जारी किया आदेश। कहने को बिहार में बाल मजदूरी गुनाह है, लेकिन बिहार के ही कई ऐसे जिलों के नाम सामने आए हैं जहां पर बाल मजदूरी जैसी शिकायतें सामने आई है, जिसमें गया, वैशाली और चंपारण का नाम शामिल है, जिसको जानने के बाद ही श्रम विभाग अब हरकत में आ गया है। श्रम संसाधन विभाग के आंकड़ों को देखें तो 2020-21 में 466 बाल मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। इसमें गया से 76, वैशाली से 50 और पूर्वी चंपारण से 45 बच्चों को मुक्त कराया गया है। अब विभाग ने इस रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद इन जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि यहां बाल मजदूरी पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की जाए, साथ ही बाकी के जिलों को भी इस संबंध में दिशा निर्देश भेज दिया गया है। बिहार दिवस पर बच्चों के बीमार पड़ने पर नपे ये अधिकारी। बिहार दिवस के मौके पर जहां इस बार हर्षोल्लास का मौसम था, वहीं दूसरी तरफ इस मौके पर भारी संख्या में बच्चों के बीमार होने की खबर भी सामने आई थी, जिसके बाद ही सरकार ने भी कार्रवाई का आदेश जारी किया था। इसी कड़ी में लगातार इस मामले में छानबीन चल रही थी। वहीं बीते दिन अब बिहार दिवस में शामिल होने आए स्कूली बच्चों के बीमार पड़ने के मामले में शिक्षा विभाग ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी मीडिया विभाग नीरज कुमार पर कार्रवाई की है। प्रमाणित आरोपों के लिए उन्हें निंदन और एक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड दिया गया है। विश्वविद्यालय में प्रमोशन अब नहीं होगा आसान। बिहार के पारंपरिक विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों के प्रमोशन का काम अब आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अब प्रमोशन के लिए उच्च स्तरीय मानक पर आधारित परिनियम बनाने का काम पूरा हो गया है। इसमें सहायक प्राध्यापक से प्रमोशन के लिए कठोर प्रावधान किए गए हैं। बनाए जा रहे इस परिनियम में यूजीसी के 2018 के प्रावधान समाहित होंगे। नए शैक्षणिक सत्र से पहले यह परिनियम के प्रभावी होने की उम्मीद है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार कुलपतियों की एक समिति ने उसे बनाकर बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद को दिया है। यहां से औपचारिक मंजूरी के बाद ये परिनियम 1-2 दिन में शिक्षा विभाग को भेजा जाना है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में प्रमोशन के लिए अब तक यूजीसी के 2005 का परिनियम लागू था। बिहार में अब किसी भी मंत्री, सांसद और विधायक को नहीं मिलेगा गुलदस्ता। बिहार सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को राज्य में पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। 1 जुलाई से फैसला अमल में आए इसके पहले मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव से लेकर प्रमंडलों के आयुक्तों और जिलाधिकारियों को सरकारी कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी कार्यालय में कम से कम प्लास्टिक का प्रयोग हो। इसके लिए आवश्यक है कि बैठकों में प्लास्टिक की बोतल में इस्तेमाल होने वाले पानी पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही गुलदस्ता देने पर भी अब रोक लगा दी गई है। बिहार में आज अमित शाह की मौजूदगी में टूटेगा पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज बिहार भाजपा वीर कुंवर सिंह की जयंती को खास बनाने
वाली है। इस कार्यक्रम की खासियत आप इसी बात से समझ सकते हैं कि खुद गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने बिहार आने वाले हैं। वहीं आज बिहार के भोजपुर में पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी अमित शाह की मौजूदगी में टूटने वाला है। आज का दिन सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के लिए बेहद ही अहम होने वाला है, क्योंकि आज वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में 175,000 राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएंगे। यानी कि आज अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा नेताओं का दावा है कि करीब 57,000 पाकिस्तानी झंडा एक साथ लहराने का साल 2014 का विश्व रिकॉर्ड 8 साल बाद टूटेगा। राजद के इफ्तार में शामिल हुए नीतीश कुमार। राबड़ी आवास पर शुक्रवार को दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। इस इफ्तार में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद गेट पर जाकर सीएम नीतीश की अगवानी की। गौरतलब है कि राजद की तरफ से हर साल रमजान के महीने में इफ्तार का आयोजन किया जाता रहा है। इस बार भी इफ्तार को लेकर जोरदार तैयारी की गई। इस बीच शाम में सीएम की सुरक्षा दल से जुड़े लोग भी राबड़ी आवास पहुंचे, जिससे इस बात की पुष्टि होने लगी कि नीतीश कुमार भी इफ्तार में शामिल होंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बार न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि चिराग पासवान सहित कई अन्य दलों के नेता इसमें शामिल हुए थे। श्रेयसी सिंह फिर से बढ़ाएंगी बिहार का मान। इस खास प्रतियोगिता के लिए हुई क्वालिफाई। विभिन्न प्रतियोगिताओं में देश और राज्य का मान बढ़ाने वाली और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित श्रेयसी सिंह जल्द ही एक बार फिर से देश के साथ साथ बिहार का मान बढ़ाने वाली है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शूटर इटली में होने वाले विश्व कप के लिए भारतीय दल का हिस्सा बनने जा रही है। कॉमनवेल्थ खेलों में शूटिंग की स्पर्धा में पदक जीत चुकी जमुई की विधायक श्रेयसी ने क्वालिफाई मैच में जीत के संग ही विश्व कप के लिए दावेदारी कर दी है। फिलहाल इटली में उनका मैच 24 और 25 अप्रैल को होना है। उनके विश्व कप में चयन होने पर बिहार राज्य खेल विकास प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन ने बधाई दी है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल गिलबर्ट एलियट मिंटो का 1751 में जन्म हुआ। कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी कोका कोला ने 99 साल बाजार में रहने के बाद 1985 में एक नए फॉर्मूले के साथ नया कोक मार्केट में लिया। सन 2005 में यूट्यूब पर पहला वीडियो अपलोड हुआ। हिंदी प्रसिद्ध साहित्यकार जीपी श्रीवास्तव का 1889 में जन्म हुआ। सुरबहार वादी यंत्र बजाने वाली एकमात्र महिला अन्नपूर्णा देवी का 1927 में जन्म हुआ। हिंदी और ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक धीरेन्द्र वर्मा का 1973 को निधन हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक भारत रत्न से सम्मानित सत्यजीत रॉय का 1992 को निधन हुआ था। आज ही के दिन को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। व्हाट्सएप पर आया एयरटेल पेमेंट बैंक। अब आप एयरटेल यूजर हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अब आप एयरटेल ऐप डाउनलोड किए बिना भी सभी तरह के पेमेंट कर सकेंगे। जी हां, दरअसल एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जो कि भारत में सबसे सफल ऑनलाइन पेमेंट बैंक में से एक है, अब व्हाट्सएप पर बैंकिंग सर्विसेज के लिए उपलब्ध है। यदि आपके स्मार्टफोन पर एयरटेल ऐप खोलने में परेशानी हो रही है तो चिंता ना करें। अब आप सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस 8800688006 पर हाई लिख कर भेजना होगा। राजस्थान ने दिल्ली को रोमांचक मुकाबले में दी पटखनी। राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रनों से हराकर सीजन की 5वीं जीत हासिल की। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में राजस्थान ने 222 रनों का सफलतापूर्वक बचाव किया। दिल्ली की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 207 रन बना पाई। दिल्ली की जीत के लिए आखिरी ओवर में 36 रनों की दरकार थी। उसकी तरफ से रोहमन पावेल क्रीज पर थे, तो वहीं राजस्थान ने ओवेद मकोय को गेंद थमा दी थी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कहकशा मजहबी, शबनम कुमारी, मनीष मल्होत्रा, मुक्तेश्वर यादव, अतीक खान, रंतोष कुमार, कल्याणी चौधरी, विवेक कुमार, बीना देवी, उजाला चौधरी, उमेश कुमार, ध्रुव कुमार, अमन कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हमारे दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार लालू यादव के रिहा होने पर बिहार में राजद को अब मजबूती मिलेगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।